शहर के चांग गेट स्थित पंजाब नेशनल बैंक एटीएम से दो दिन पूर्व संदिग्ध स्थिति में 17 लाख रुपए पार होने का गंभीर मामला सामने आया है, जिसके चलते बैंक प्रबंधन में खासा हड़कंप मच गया है। बैंक प्रबंधन मोहित कुमार मीणा ने मामले में सोमवार को सिटी थाने में लिखित रिपोर्ट पेश की है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुहैया किया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नकदी डालने के बाद स्वतः लॉक खुल गया और कोई इसका फायदा उठाकर पैसे निकाल कर ले भागा। प्रबंधक मीणा ने बताया कि बैंक के एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे थे। उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद वे रविवार को शाम एटीएम पहुंचे, देखा तो वास्तव में एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा था। इसके बाद एटीएम में पैसा डालने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क किया तो पता चला कि उन्होंने 6 जुलाई को ही एटीएम में 17 लाख रुपए डाले हैं। एक दिन पहले ही राशि डालने के बाद दूसरे दिन एटीएम का खाली हो जाना संदेह के घेरे में है। बैंक प्रबंधन की सूचना के बाद एटीएम में नकदी भरने वाली कंपनी के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे, जिनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। बहरहाल मामला पूरी तरह से संदिग्ध बना हुआ है। एटीएम में डाली गई राशि कैसे निकली और किसने निकाली, इसको लेकर अब जांच की जा रही है। पुलिस ने बैंक प्रबंधन से एटीएम से आहरित हुई राशि की जानकारी भी मांगी है। पता लगा जा रहा है कि एटीएम में राशि डाली जाने के बाद भी कितने लोगों ने एटीएम से राशि आहरित की है। मामले में हो रही जांच पर मुख्य रूप से ये बात सामने आ रही है कि नकदी डालने के बाद एटीएम का लॉक खुला रह गया, जिसके चलते किसी की नजर पड़ी और उसने इसका फायदा उठाकर पैसों पर हाथ साफ कर गया। और ये बात अलग है कि लॉक खुला रहने के पीछे पैसा डालने वालों की लापरवाही रही या फिर कोई साजिश, इसके लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। मौके से सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को भी चिन्हित किया है। माना जा रहा है कि मामले का जल्द खुलासा हो जाएगा।